हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मास्किंग, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मास्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रोक लेंगे रेड कलर का, जिसकी स्ट्रोक हम लोग करीब करीब 90 के आसपास इसका स्ट्रोक करते हैं। इसका फिर एक सिंबल बना देंगे, ग्राफिक सिंबल, क्योंकि हम लोग एक बग के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से एनिमेशन हम लोग कर सकते हैं मास्किंग के थ्रू। तो यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर में हम लोग ब्लैक कलर से थोड़ा सा एक स्क्वैशी टाइप सर्कल बनाएंगे और इसको कॉपी करके उसकी बिल्कुल स्ट्रेट दूसरी साइड में भी रख देंगे। ये सेम लेयर पर करेंगे हम लोग। अब इस लेयर को हम लोग करते हैं, इसको करेंगे हम लोग डुप्लीकेट सर्कल वाले लेयर को, जो ब्लैक सर्कल है उसको, इसको डुप्लीकेट करके जो अब जो सेंटर में जो लेयर है हमारा, ये बग वाला, इसको हम लोग नाम दे दिया है। तो एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है। तो जो बग वाला लेयर है, यहाँ पर अभी सिंबल था हमारा, चूंकि हम सिंबल बना चुके थे, तो हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, ताकि हम लोग जो बग का शेप बनाना चाहते वो शेप हम लोग बना सके। तो ये ऊपर से हाफ और नीचे से हाफ ऐसे देखेगा। यहाँ एक न्यू लेयर लेकर के इस पर कुछ ड्रॉ करेंगे, ताकि बग का फील आ जाए उसमें, थोड़ा सा उसके आईज और उसके ऊपर जो कुछ स्पॉट्स हैं, तो इस तरह से कुछ स्पॉट दे देते हैं ताकि वो फील आ जाए। तो ये हम लोग सिंबल के अंदर कर रहे, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ लीक थोड़े से, हम सीन के बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो तीन लेयर है हमारे, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, यहाँ पर ध्यान रखें कि ये ब्रश से मैंने इसको, अब मास्किंग में होता क्या है कि जिस चीज़ को हम लोग हाइड करते हैं वही चीज़ हमें आउटपुट में दिखती है। तो इसलिए हमने ऊपर वाला पार्ट को सारे को हाइड कर दिया है। और हाइड करने के बाद अब आप देखोगे कि इसको हमने यहाँ पर अंदर फ्रेम दे दी है, ताकि इसका एनिमेशन भी कर सके। तो दोनों को एक साथ हमने क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ से क्लॉक वाइज इसको कर दिया, तो ये रोटेट होने लग जाएगा। अब हम लोग बाहर आते हैं वापस से। बाहर आने के बाद यहाँ पर जितनी फ्रेम है अंदर की, तो 60 फ्रेम बाहर भी दे देंगे। और इसको हम ऊपर वाले लेयर को हमने मास्क कर दिया है, तो इसको राइट क्लिक करके इसको मास्क कर देंगे। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखो, ये जिसको मास्क किया था वो गायब है और नीचे वाला हमें एक्चुअल में हाइड हो जाएगा। तो आप आउटपुट में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। थैंक यू।